हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुद्ध शाकाहारी भोजन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत ही देसी भोजन लेकर के आते हैं। आज आपको कोहणे की इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी और इतना टेस्टी लगेगा। तो ऑयल की मात्रा अगर आप देखें तो बहुत ज़रा सा, 1 टेबल स्पून के लगभग हमने ऑयल डाला है कुकर में। और ये हमारा कोहणा है जिसको सीताफल भी बोला जाता है, और इसका छिलका हमने अलग नहीं किया हुआ है जैसा कि आपने देखा। और इसमें हम 3 आलू लिए हुए हैं और 1 टमाटर लिए हुए हैं। और जहाँ तक मसाले पीसने का या पाउडर डालने का झंझट होता है, तो ऐसा कुछ भी हम नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल खड़ा खड़ा मसाला डालेंगे। तो मसाले में हमने 2 छोटी चम्मच लिया हुआ है गोल मिर्च यानी काले मिर्च, 5 से 6 लौंग ले लीजिए, 1 काली वाली इलायची, और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है, और छोटा छोटा 3 टुकड़ा दालचीनी का है। इसको क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे खड़ा, पीसना नहीं है, कूटना नहीं है, और बाद में नहीं। इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। इसका हमें तड़का देना है, और इस तरह की बना करके हमने 2 से 3 तरीके की सब्ज़ी जैसे नेनुआ और लौकी हमने इस तरीके से बनाया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आया था। तो इसीलिए आज आपके साथ हम ये कोहणे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, ताकि बहुत लोग जो हैं जिसको बहुत कम समय में सब्ज़ी बनानी है, या फिर मसाला पीसने का झंझट नहीं, या फिर मसाला नहीं खाना है, तो इस तरीके से बना लीजिए। और एक चीज़ और, कि ये सब सारे जो मसाले होते हैं, खड़ा मसाला, ये बिल्कुल औषधि होता है, तो इसीलिए यह बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा आपके लिए, और ईजी भी रहेगा, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। कोहणा को डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर आलू डाल रहे हैं, आलू को हमें तेल में और कोहणे के साथ अच्छे से मिलानी है, और गैस का फ्लेम हाई ही रखिएगा, लो मत करिएगा। सारी चीज़ों को हम हाई फ्लेम में ही कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर पे चला भी रहे हैं ताकि नीचे चिपके ना। ये सब्ज़ी जो है आपकी 3 से 4 मिनट में बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हमें थोड़ा दिखाना था, तो इसलिए टाइम लग जाता है दिखाने में प्रोसेस। और यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि तीखा और कलर दोनों ही हमारी सब्ज़ी को देगा, और 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ कर रहे हैं मसाले में। स्वादानुसार नमक, सेंधा नमक हम खाते हैं तो हम सेंधा नमक ही डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स करनी है। अब भूनने का कोई झंझट नहीं है, बस हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम 1 टमाटर जो हमने लिया हुआ था वो हम ऐड कर दे रहे हैं। टमाटर को हल्का हल्का नरम कर दीजिए भूज करके। और बस भूजने का सिलसिला हो गया है ख़त्म। अब हम यहाँ पे 1 गिलास पानी डालेंगे। तो ये जो कटोरी है, ये 1 गिलास के साइज़ की कटोरी है, और पानी की मात्रा हमने 1 गिलास डाल दिया। और डालते ही ये कलर आप देख सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर की वजह से इसका कलर कितना अच्छा से निखर के आया हुआ है, लग रहा है कितना सारा स्पाइसेस हमने यूज़ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा, हम बहुत कम मसाले में इसको बनाए हैं। अब कुकर को करना है बंद, और मीडियम फ्लेम करके इसको सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी लगानी है। उसके बाद खोल करके हमें देखना है कि और भूजना है या नहीं, नहीं तो हम उसने ही बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सीटी आ चुकी है, उसको हम खोल रहे हैं। तो ये जो है लगभग लगभग ये गाढ़ा है, हल्का सा गाढ़ा इसको हम और करेंगे, ताकि जो कोहणा है वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाए और बस आलू ऊपर से दिखाई दे। तो ये हमारी सब्ज़ी जो है बन करके, गाढ़ा गाढ़ा सब्ज़ी जो है बन करके रेडी हो चुकी है, और ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके कलर की बात करें तो काफ़ी सुंदर है ये, और ये देख सकते हैं आपकी जो हमने कोहणा डाला था वो पूरी तरीके से घुल गया है, ग्रेवी दे दिया है बिल्कुल। और आप देख जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये इजी तरीका था बनाने का, बिल्कुल मसाले में आप देख सकते हैं हमने खड़े खड़े मसाले का प्रयोग किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो ये रेसिपी बनाइए, ट्राई करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए।